जी, और ये सबसे बड़ा मतलब ये बहुत कठिन प्रश्न रहेगा आपके लिए शायद, ये सवाल जो पूछने वाला हो। ये सवाल मैंने बहुत बार बहुत सारे नौ मतलब बहुत लोगों को पूछा था ये सवाल, तो एक ही जवाब मिला था, आप भी शायद वही जवाब दे दोगे। जी, आप कहते कि आर्य विदेशी है, लेकिन बाबा साहब जी ने तो इसका खंडन किया, आर्यन इन्वेंशन थ्योरी का। तो आप क्यों मानते हो इस थ्योरी को? जी, प्रश्न आपका कंप्लीट है हाँ, कंप्लीट है, कंप्लीट है। जी। और बाबा साहब जी ने कहा था कि वैदिक काल में सभी सभी को, स्त्रियों को, शूद्रों को, सभी को समान अधिकार था। बाबा साहब जी ने वह दो शूद्रा में कहा ये सभी चीजें। जी ओके। तो देखिए धीरज जी, ये जो बाबा साहब के बारे में जो बहुत सारी बातें कह दी जाती है कि वैदिक काल में बाबा साहब ने ये कहा था, ये कहा था, वो कहा था, वास्तव में लोगों ने बाबा साहब की किताब पढ़ा ही नहीं है। आप देखेंगे कि बाबा साहब के जो फॉलोअर हैं वो हमेशा ही इस चीज का खंडन करेंगे, और जो आप बता रहे हैं बात वो हमेशा वो लोग कहेंगे जो बाबा साहब के खुद ही विरोधी हैं, जो बाबा साहब को दिन रात गाली देते हैं, दिन रात उनकी IT सेल जो है दिन रात गाली देती है, और फिर दूसरी तरफ से बताती है कि बाबा साहब ने तो बड़ा अच्छा अच्छा हम लोगों के बारे में लिखा है। तो मैं ये कहूंगा कि बाबा साहब की आप किताब खुद उठा के पढ़िए, बाबा जी साहब ने कहीं पढ़िए, भी ऐसा कुछ भी, हाँ बाबा साहब ने नहीं ऐसा सर कहीं भी पढ़िए कुछ नहीं पढ़िए लिखा सर, है। हाँ, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, मैं दिखा देता हूँ उसका संदर्भ, देखिए किस संदर्भ में लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि बाबा साहब जब पेज नंबर 72 से 73 में लिखा है उन्होंने ये बातें, वो अर्ध शूद्रा कौन के, सा बुक बताया आपने, कौन सा बुक बताया, वो अर्ध शूद्रा इंग्लिश में। हू आर द शूद्र, इंग्लिश में, ठीक है। तो अभी मेरे पास हू आर शूद्र PDF में तो नहीं है कि मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखा पाऊं, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो के लास्ट तक, जब तक मैं लाइव हूं, तब तक अगर कोई साथी, अगर बंधु उस चीज को खोज कर लाएं तो मैं यहां पे शेयर करके दिखा दूंगा क्या लिखा जी हुआ है। मेरे पास तब तक था मैं आपको उसका बता दूं, स्क्रीनशॉट। हाँ तो आप PDF मुझे सेंड कर दीजिए मेल पे, मैं अभी यहाँ खोल के दिखा देता हूँ। ये चीज एक बार पहले भी आई थी और मैंने देखा था इस चीज को। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दूसरे की बात कह रहे हो कि वो बंदा उसके बारे में ऐसी बातें बता रहा है, और कुछ लोग क्या करते हैं, चेरी पिकिंग करते हैं, उस पॉइंट को हटाते हैं, अब वो बाबा साहब की बात बताने लगते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कहा था। यस, बाबा साहब की किताब में लिखा है, लेकिन संदर्भ क्या है, वो किसका संदर्भ है, वो किसके लिए बोल रहे हैं या किसी दूसरे का स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये चेरी पिकिंग होती है कि हम उस सेलेक्टेड पॉइंट को उठा के बता दें कि बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने तो वेद के पे ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं, इतने सारे वेद पे प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि वेद लिखने के टाइम को उनने गलत बताया है, वेद का जो अस्तित्व है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, जो ब्रह्मा का कंसेप्ट है धरती बनाने का, और ये जो वेदों का जो कंसेप्ट है कैसे ये जी चीज है उस पर प्रश्न खड़े किए हैं। इस पर पूरी डिटेल्स में 5-6 वीडियो है बहुजन साहित्य पे, बाबा साहब की किताब को दिखाकर, बहुजन साहित्य एक चैनल है तो उस पे आप देख सकते हैं, और इस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जो आपने प्रश्न उठाया है, क्योंकि ओरली बता दूंगा दैट इज नॉट करेक्ट, जब तक मैं उन चीजों का संदर्भ न दिखा दूं कि क्या वो बातें कर रहे हैं और किस तरह से उस चीज का फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। दूसरा चीज था कि आपने जो पूछा आर्य इन्वेंशन थियरी का कि बाबा साहब ने तो खंडन किया है, तो बाबा साहब की जब आप किताबें पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि लोग कह देते हैं कि बाबा साहब ने खंडन किया, नहीं भाई साहब, आर्य जो शब्द है वो आर्य से डिराइव हुआ है, पहले आर्य शब्द था ही नहीं। कोई बता दे मुझे कि मैक्स मूलर से पहले आर्य शब्द किसने हाईलाइट किया था, ब्राह्मणों ने हर जगह अपने को ब्राह्मण कहा है, तो आर्य समाज ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना थी, 1875 से पहले आर्य शब्द ये लोग नहीं इस्तेमाल करते थे। अब कहेंगे लोग कि भाई आर्य पुत्र कहा गया है महाभारत में, तो महाभारत की आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, जैनियों का जो ग्रंथ है भारत ग्रंथ उसको उठा के महाभारत बाद में बनाया गया है, श्लोक बढ़ते गए हैं, पहले 8,000 से बढ़ा के उसको किया गया 24,000, 24,000 से 96,000, 96,000 से लाख में ऊपर पहुंच गया है, अब जाके बाद में जोड़े गए हैं, तो ये तो बहुत बाद की चीजें हैं। तो आर्य शब्द तो कभी भी न तो कोई किसी ने आर्य अपने को कहा, ना कि हम आर्य हैं हम बाहर, ये मैक्स मूलर ने हाईलाइटेड किया था आर्यन थियरी को लेकर, ये तो मैक्स मूलर ने स्टार्ट किया। जब वो 19वीं सदी में ट्रांसलेशन करने लगा तो इनमें एक सबसे बड़ी गलत फहमी ये हो गई थी 19वीं सदी में कि जो संस्कृत कहाँ से आया, संस्कृत का ओरिजिन सभी लोग सीरिया से समझ रहे थे, जो वहां पे अभिलेख मिला था सीरिया में जिसमें इंद्र वरुण और तरह तरह के देवताओं की बात हुई थी,
थी और वो जैन अवेस्था के देवता थे। तो जैन अवेस्था की ही कॉपी वेद है। अब ये दोनों के देवता मिलते हैं, ऋषि मिलते हैं, बहुत सी चीजें मिलती हैं, तो इससे ये लोगों ने अनुमान लगाया कि इराक से होते हुए भारत में ही आए हैं। और जब वो आए हैं तो कब आए हैं, तो ये भाषा के आधार पर इन्हें तय किया। उस समय डीएनए नहीं थी कि भाई डीएनए जांच कर लो, उसे पता लगा लो कि ब्राह्मणों में से कितना परसेंट ब्राह्मण विदेशी है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं, कितने प्रतिशत ब्राह्मण जो हैं वो विदेशी हैं, कितने प्रतिशत देसी हैं, कितने बुद्धिस्ट ब्राह्मण बन गए, जैसे बंगाल के जितने भी थे बुद्धिस्ट वो मैक्सिमम कन्वर्ट होके ब्राह्मण बन गए, शाक्त वगैरह में वो चले कन्वर्ट हो गए तारा देवी का। तो और बहुत सारे जैनी जो थे वो कन्वर्ट हो गए शंकराचार्य के टाइम में। शंकराचार्य तो डिबेट ही इस बात से करता था कि तुम हारने पर तुम्हें हमारा ही चेला बनना पड़ेगा जैनियों से, और जैनियों का गढ़ था साउथ इंडिया और साउथ इंडिया में केरल से ही वो जन्मा था। तो सबसे ज्यादा प्रहार हिंदुइज्म ने किया था जैनियों पे, इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी जैन ग्रंथ हैं और हिंदू ग्रंथ है वो सबसे ज्यादा मैच करते हैं। और जैनियों के ग्रंथ कहां से आए हैं, तो उसका जो इनिशियल है वो जातक कथाओं से आता है। जैसे दशरथ जातक कथा थोड़ा सा है, उसको एक्सटेंड करके इनने जैनियों ने जैन रामायण लिखी, उसका एक्सटेंडेड वर्जन इनने अपनी रामायण लिखी या ब्राह्मणों ने। तो ये जो चीज है कि संस्कृत का जो ओरिजिन है उस पर बहुत विवाद हो गया। पहला विवाद तो ये हो गया कि भाई ये 3,500 साल पहले संस्कृत नहीं आई, लेकिन भाषा के आधार पर मैक्स मूलर ने तय किया था या उस समय के लोगों ने तय किया कि संस्कृत भाषा उधर से ये लेके आए, यहीं से कंफ्यूजन पैदा हुआ। भाई विदेशी हमेशा भारत में आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विदेशी नहीं आते रहे हैं। भाई ईसा के समय में नहीं आए थे शक हूड़ कुसार फल्लो, ये कौन लोग थे? ये मुस्लिम जो मुगल तुर्क ये आए हैं या आके भारत में रह गए, इन लोगों ने शादी विवाह किया, आज बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पे है, पाकिस्तान चले गए, वो चले गए, बांग्लादेश चले गए, कुछ भारत में भी, कौन लोग थे? विदेशी ही तो हैं ये सब। तो ये भारत में तो हमेशा विदेशी आते रहे हैं, लेकिन जो विदेशी भारत आया उसने क्या किया कि भारत में आके शक हूड़ कुसाण ये सब लोगों ने धर्म का पालन किया, सबने धर्म अपना लिया। लेकिन एक चीज हुआ कि सबने धर्म अपना लिया, लेकिन ब्राह्मणों ने क्यों नहीं आकर धर्म अपनाया, ये सवाल था। वो लोग सोच रहे थे कि संस्कृत लाया, वेद भी इतना पुराना, उपनिषद भी बहुत पुराना, सबको बुद्ध से पहले पहुंचा रहे थे। इस चक्कर में इन लोगों ने पहले आर्यन इन्वेंशन थियरी क्रिएट की, और जब देखा कि ये फ्लॉप हो रहा है तब आर्य माइग्रेशन थियरी आई है। तो अभी की डेट में दो थियरी प्रचलित है, एक है आर्य माइग्रेशन थियरी कि आर्य जो है वो भारत में आए, दूसरी थियरी है कि कुछ लोग बाहर से भी आए, आके यहाँ पे धर्म में घुस गए, धर्म का पालन करने लगे। जब इनको मौका मिला, जब शंकराचार्य के उदय के समय और बौद्ध मार्ग को धीरे धीरे खोखला करके पंचमंगिया बन के खत्म कर दिए, और फिर इन्हीं चीजों को लेकर अपना ये ब्राह्मण धर्म शुरू कर दिए 9वीं सदी के बाद। दो कंसेप्ट है। तो इसमें जो है बाबा साहब बुद्ध मार्ग की जो ये चीज देखते हैं कि बुद्ध मार्गी ये आके बन गए थे और बहुत सारे लोग जैसे शक हो गए, पूरी तरह से बुद्धिस्ट थे, कुषाण पूरी तरह से बुद्धिस्ट थे, कुषाणों ने तो मूर्ति बनाई है। आज जितने भी जाट गुज्जर लोग हैं ये कुषाण को अपना आदर्श मानते हैं, और कुषाण जो है पूरा मथुरा जो क्षेत्र है इधर अफगानिस्तान से लेकर मथुरा और इधर यूपी का जो क्षेत्र था वो सबसे बड़ा बादशाह था पूरे भारत में। उसने बुद्ध की मूर्ति लगवा दी थी, एक एक जगह खोद के मूर्ति ही उसने बनवाई थी। लेकिन आज की डेट में उनके वंशज क्या बन गए हैं, हिंदू बने फिर रहे हैं कि हम लोग तो हिंदू हो गए हैं। तो ये जो चीजें है ना, कहना कि कौन विदेश से आया कौन कहाँ से आया, ये एक बात है कि भाई हम उन्हें विदेशी नहीं कहते हैं जो भारत में आके यहीं बस गए, यहीं की चीजों को अपना लिए, यहीं पे घुल मिल गए हम लोगों के साथ। विदेशी उनको कहा जाता है जो विदेश का कल्चर हम पर थोपना शुरू किया। जैसे ब्राह्मण हैं, ये जब पाया गया कि भाई ये तो जैन अवेस्ता की किताब हमारे ऊपर थोप रहे हैं, एक तरफ जो गीता है, एक तरफ रामायण है, एक तरफ महाभारत है, ये सब तो जैनियों ग्रंथ में आ रहे हैं, मतलब इनके आंशिक जो शुरुआती टर्म से वो आ रहे हैं, बौद्ध के जातक कथाओं में आ रहे हैं, लेकिन वेद तो बिल्कुल ही बिल्कुल ईरान जैन अवेस्था से कॉपी मिल रही है। तो ये जो चीज थी ना, ये इनको अलग कर दी। दूसरी चीज की इन लोगों ने कभी यहाँ के लोगों को इंसान नहीं समझा, खुद ऊंच बन गए। जब कोई विदेशी आता है तो उसकी यही पहचान होती है कि हमेशा अब खुद को ऊपर रखता है। अंग्रेजों ने भारत में सबको हक दिया, लेकिन सारे ऊंचे पदों पर खुद को ही रखा। आप इस बात को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि अंग्रेजों ने हक सबको दिया, लेकिन उनने खुद को ही सबसे ऊंचे पदों पर, और ये चीजें इनमें देखने को मिली ब्राह्मणों में। इनने क्या किया, हर उच्च पदों पर, चाहे मुगल के समय में खुद को ऊंच रखने के लिए इनने तरह तरह की किताबें छाप मारी। तुलसीदास क्या कर रहा था, वो लिख रहा है शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, और भी उसने बहुत सारे आलतू फालतू चीजें लिखी। तो ये लोग जो है हमेशा सत्ता के चाटुकार बने रहे। आज की डेट में आप देख लीजिए सारा टॉप पोस्ट पर यही बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं भाई, जब आप भारतीय हैं तो भारत के लोग आपके नहीं हैं, आप कैसे अलग हो गए इनसे?
इसका मतलब आप भारतीय ही नहीं है। लेनपुन एक इतिहासकार थे, उनने लिखा है, उनने मुगल जो काल है उस पर बहुत ही विस्तृत स्टडी की है। तो उस पर उनने लिखा है कि जो ब्राह्मण थे ये मुगल काल में जाते थे और उनसे कहते थे कि हम भी आप ही की तरह विदेशी हैं, इसीलिए हमको ना, हम आपके भाई बंधु की तरह हैं, इसीलिए हमको छूट दी जाए। और ये बात देखने में आती है कि जब आप भविष्य पुराण पढ़ते हैं तो इन लोगों ने अकबर को पूर्व जन्म में ब्राह्मण बता रखा है, जैसे वाल्मीकि को इन्हें पूर्व जन्म में ब्राह्मण बता रखा है। और फिर कहते हैं कि अकबर जो है वो गाय के दूध में एक केस था उसको खा लिया, इसीलिए श्राप के तौर पर उसे मुस्लिम में जन्म लेना पड़ा। ये बातें भविष्य पुराण में लिख रखे हैं। बताइए कितने सत्ता के चाटुकार थे। इन लोगों ने अल्लो उपनिषद लिख दी तो यहाँ के लोग उनको क्या समझेंगे भाई? जब यहाँ के लोग मुगलों को उनको विदेशी समझ रहे थे और देख रहे हैं कि ये भी जाके उनसे कह रहा है कि हम भी आप ही की तरह विदेशी हैं, तो लोग क्या समझेंगे? उनको विदेशी नहीं समझेंगे। फिर आप अंग्रेजों के समय में यही काम करते हैं, पुराण पुराण लिखते जाते हैं सब चीज, और खुद को आप आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को स्थापित करने के लिए आपके जितने ब्राह्मण है सब सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं मैक्स मूलर को। बाल गंगाधर तिलक लिखता है कि हम लोग बाहर से आए हैं, दयानंद सरस्वती लिखता है कि हम बाहर से आए हैं। दयानंद जी ने कहा पर लिखा कहता है कि हम तिब्बत से आए हैं, हम बोल रहा है कि हमारे जो आर्य हैं वो तिब्बत में जन्म लिए थे। तो नहीं वेदों में लिखा है, भारत कहीं से नहीं था। नहीं वेदों में लिखा है कि जो सबसे पहला जो मनुष्य है वो तिब्बत में जन्मा था, ऐसा लिखा है। बस रुक जाइए बस, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात को, मैं आगे कम्प्लीट करूँ। तो दयानंद सरस्वती कभी नहीं कहते हैं कि भारत में, वो कहते हैं कि तिब्बत। चलो ठीक है आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मुझे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आपकी बात भी मानकर मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो उनने कभी नहीं कहा कि भारत में आर्य जन्म लिए। जब भाई आर्यों का जन्म ही, तो कहते हैं कि पहला व्यक्ति ही आर्य था और गर्भ बना के 25-25 साल के लौंडे निकले थे सीधे। तो तिब्बत में भगवान ईश्वर जो है तिब्बत में इंसानों को जन्म दे रहा, तो उस हिसाब से तो वो भी विदेशी हो गए। या तो तिब्बत उस समय हिस्सा होता, जैसे नेपाल उस समय जम्बूद्वीप का हिस्सा था, लेकिन तिब्बत जो है वो तो चीन का हिस्सा था, यहाँ का तो कभी रहा ही नहीं है, वो तो उधर का ही रहा है। जम्बूद्वीप में सम्राट अशोक के समय में तिब्बत के सिर्फ कुछ हिस्से ही थे, नेपाल था, लेकिन चीन का उधर का इलाका तो उन्हीं के कब्जे में था। औरंगजेब ने कोशिश की थी कब्जाने की नेपाल को और अरुणाचल प्रदेश को, और जो मानसरोवर झील है और जो कैलाश पर्वत है, तो औरंगजेब ने चढ़ाई करके उनसे छीना था चीनियों से, यह कह के कि भाई ये हमारे लोग, यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का ये जगह है, पवित्र जगह है, तो मुझे ये चाहिए। तो ये तो कभी हिस्सा नहीं रहा, तो एक तरह से वो भी विदेशी का ही कंसेप्ट दे, किसी ने भी नहीं कहा कि हम यहाँ के हैं। इसके अलावा सावरकर हो, मोहन भागवत ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, सबने सपोर्ट किया अंग्रेजों का, अंधाधुंध सपोर्ट किया। क्यों किया भाई आपने? जब आप खुद एक तरफ से कह रहे हो कि हम विदेशी हैं, 1873 में आर्य समाज की स्थापना से 2 साल पहले, 1873 की जो गुलामगिरी है उस समय ज्योतिबा फूले जो थे वो लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जो है ये ईरानी है ईरान की तरफ से, और जो अंग्रेज हैं उन लोगों ने जो अपने रिसर्च किए हैं उसके अनुसार भी वो लोग बताते हैं कि उसी साइड के हैं ये बात वो लिखते हैं। तो उस समय आप एक्सेप्ट कर रहे थे, अब जब देश आजाद हो गया, सत्ता आपको मिल गई, सत्ता के सारे टॉप पे आप बैठ गए, तो आज आप कह रहे हैं कि आप यहाँ के अब विदेशी नहीं है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? एक तरफ आपने खुद स्थापित किया सारी चीजों को, सारी शिक्षा व्यवस्था आपके हाथ में है आज की डेट में, सारी चीजें आपके हाथ में, और जब नहीं थी तब आप विदेशी थे, और जब हो गया तब बता रहे हैं कि अब ये देश मेरा है। तो ये खुद का क्रिएट किया हुआ है, ये किसी दूसरे ने नहीं थोपा है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि कभी बहुजन वर्ग ने, कभी भी ओबीसी या पिछड़ा वर्ग ने कोई भी कंसेप्ट ब्राह्मणों पे या ब्राह्मणवाद पे नहीं थोपा है, सारा का सारा इन्हीं लोगों का दिया हुआ है। ये लोग तो सिर्फ उसके हिसाब से अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। नेहरू जी भाई पीएम थे, ब्राह्मण थे, उनने अपनी किताब में क्या लिखा? उनने भी तो लिखा कि हम बाहर से आए हैं। राहुल संस्कृत्यायन, केदारनाथ पांडे, उनने क्या लिखा? उनने भी तो लिखा कि हम वोल्गा से आए हुए हैं, विदेश से आए हुए हैं। सबने लिखा है, इसमें किसी आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप लोग क्यों कहते हैं। भाई आप लोगों ने कहा है, हम लोग नहीं कहते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। जी जी शुक्रिया। और आज भी प्रश्न थे लेकिन अभी थोड़ा घर का काम। जी काफी प्रश्न हो गए हैं, फिर आप कभी आइएगा तैयार होकर। हाँ जी जी शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया जी, धन्यवाद धन्यवाद।